नमस्कार, जीवीएन 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। उत्तर प्रदेश के भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक और उनकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। नाबालिग युवती से जबरन घर का काम कराने और प्रताड़ित करने के आरोप में पुलिस ने सपा विधायक जाहिद बैग और उनकी पत्नी सीमा बैग के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जिले के भर्म विभाग अधिकारी जेपी सिंह की तहरीर पर FIR दर्ज लिखी गई है। इससे पहले 17 साल की युवती से डरा धमका कर बिना वेतन के घर का काम कराने पर भ्रम विभाग ने दोनों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। बता दें कि विधायक जाहिद बैग की आवास से मुक्त कराई गई किशोरी सर्रोई के कैथीपुर की रहने वाली है। पूछताछ के दौरान उसने टीम को बताया कि उसे प्रताड़ित करने के साथ साथ डांट फटकार और मारा पीटा भी जाता था। किशोरी ने आरोप लगाते हुए बताया कि भदोही शहर के मर्याद पट्टी मामदेवपुर काशीराम आवासीय कॉलोनी निवासी एक नौकरानी ने तंग आकर विधायक के आवास पर सुसाइड की थी। उसका शव विधायक आवास के ऊपरी मंजिल पर छत के कुंडे के सहारे लटका पाया गया था, जिसके बाद श्रम प्रवर्तन विभाग द्वारा दर्ज कराई गई FIR के मुताबिक भदोही विधायक जाहिद बैग की आवास से मुक्त कराई नाबालिग नौकरानी ने बताया कि उसे मारा पीटा भी जाता था, काम के बदले में उसे कोई पैसा भी नहीं दिया जाता था। वहीं आरोप है कि प्रताड़ना से तंग आकर काशीराम आवासीय की रहने वाली मृतक नौकरानी भागने के फिराक में थी। बता दें कि मौत से 2 दिन पहले ये बात बरामद युवती से मृतक नौकरानी ने कही थी। पूछताछ में बरामद नाबालिग लड़की ने कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। पूछताछ में पता चला कि सपा विधायक जाहिद के यहाँ युवती और मृतिका को 1,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाता था। बगैर वेतन एक अन्य नाबालिग लड़की से घरेलू काम कराने के मामले में श्रम प्रवर्तन अधिकारी जेपी सिंह की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने सपा विधायक जाहिद बैग और उनकी पत्नी सीमा बैग पर धारा 143(4), 143(5) किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 79 बंधित श्रम पद्धति अनुमूलन अधिनियम 1976 की धारा 4 और 16 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसको लेकर दीवानी न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आलोक द्विवेदी ने बताया कि धारा 143(4) और 143(5) काफी गंभीर है। इस धारा में आरोपी को 10 साल आजीवन कारावास के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मीनाक्षी कत्यायन और जिलाधिकारी विशाल सिंह के निर्देश पर गठित टीम ने छापेमारी कर विधायक की आवास से नाबालिग युवती को बरामद किया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जीवीएन 24। नमस्कार।